बंगाल में घमासान है तो वहीं दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर छिड़ गई है महाभारत। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति दिल्ली में शाही ईदगाह के पास एक पार्क में लगाई जानी है, लेकिन मूर्ति लगाने के खिलाफ भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने हालात कंट्रोल करने के लिए तमाम कोशिशें की। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर महाभारत छिड़ गई। कल दिल्ली में शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के खिलाफ प्रदर्शन हालात बिगाड़ने की स्थिति में आ गया। मूर्ति लगाने के खिलाफ अब भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी नारेबाजी हुई जिससे तनाव भड़क सकता था। कुछ भड़काऊ मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। स्थिति ऐसी बन गई कि जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। जिस पार्क में मूर्ति लगाई जानी है वो शाही ईदगाह के ठीक सामने है। इस पार्क में लंबे वक्त से रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सेना के तोपची गौस मोहम्मद खान और महान स्वतंत्रता सेनानी खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन ईदगाह की वक्फ प्रबंधन कमेटी मूर्ति पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ को झटका देते हुए 13,000 वर्ग मीटर के इस पार्क को DDA की संपत्ति घोषित कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने याचिका वापस भी ले ली। इसके बाद भी पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध किया गया। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी महाभारत छिड़ गई। दरअसल शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाई जानी है उस मूर्ति को झंडेवालान से शिफ्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाना राष्ट्रभक्तों का अपमान है, जबकि बीजेपी ने कहा कि मूर्ति हटाने का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग का है। वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई RSS के मुख्यालय के पास। RSS को ये मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करके वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं। वहाँ ऐसी कोई जमीन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट करने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, जमीन का प्रपोजल DDA से मांगने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, DDA ने लैंड दी उसके बाद उसको लगाने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, तो फिर इसमें बीजेपी या बाकी लोग कहाँ से आ गए। और संजय सिंह को एक वर्ग विशेष को, क्योंकि कट्टरपंथी संस्था जो एक वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करती है, वो कोर्ट गई और जब कोर्ट ने फटकार लगा दी तो संजय सिंह उनके प्रवक्ता के रूप में आके बोलने लग गए। पार्क में मूर्ति लगाने का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, मूर्ति पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी मूर्ति पर भिड़ गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।